जय बोलो देवाधिदेव एकाधारा श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी जय जय जय। पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री निर्वेक सागर शीतल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु। दस लक्षण पर्व का पहला दिन मैं देखता हूं कि अन्य पर्वों और त्योहारों की तुलना में जब भी दस लक्षण सामने आता है एक अलग प्रकार का उत्साह प्रकट हो जाता है। होता है कि नहीं? आज आप लोगों का मन उत्साहित है ना? है क्यों? आपके मन में इतना उत्साह उल्लास उमंग क्यों? कभी सोचा ये उत्साह क्यों, ये उल्लास क्यों, ये उमंग क्यों? बताइए है कि नहीं, पहले तो ये बताइए। अरे महाराज कैसी बात करते हैं, क्यों है? इसलिए कि ये दस दिन मेरे जीवन के शुद्धिकरण के दिन है, मेरे जीवन के रूपांतरण के दिन है, ये धर्म धारण करने के दिन है। और जिस मनुष्य के हृदय में धर्म के प्रति प्रगाढ़ रुचि होती है वो जब भी धर्म का मौका आता है उसका उत्साह उसके मन की उमंग अपने आप बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है। आप सबके मन का उत्साह हमारे मन को भी आनंदित कर रहा है। पूरा पांडाल छोटा पड़ गया और वह भी रोक देने पर कि भाई अब तो सीट फूल हो गई। उसके बावजूद मैं आप सबसे ये कहता हूँ, दस दिन के इस दशरक्षण में सहभागी बनने के लिए जितना उत्साह है उसका एक अंश इन्हें जीवन में धारण करने के लिए जग जाए, पूरे जीवन का काया पलट हो। मैं इन दस दिनों में आपसे कुछ नहीं कहूँगा, हमारा केवल एक ही प्रयास होगा कि दस दिनों में आपकी आपके मन का उत्साह उत्तरोत्तर बढ़े, उत्तरोत्तर बढ़े, उत्तरोत्तर बढ़े, उत्साह इतना बढ़े, इतना बढ़े कि वही उत्साह आपके जीवन की राह बन जाए, जीवन के लिए एक रास्ता दिखा दे। प्रयास हमें उसका ही करना है। पहला दिन है, गाड़ी अपने निर्धारित समय से काफ़ी लेट चल रही है, वो चलना ही चाहिए, पहले दिन तो सब होता ही है, ऐसे देखा जाए तो थोड़ा बिफोर है, पर मैं तय समय में अपनी पूरी बात करूँगा। सीधे सीधे बात पर आता हूँ, आज क्षमा की बात है। हम लोग क्या करते हैं, रोज एक एक दिन एक एक धर्म की बात सुनते हैं और दूसरे दिन भूल जाते हैं और ये मन में बैठा देते हैं कि मेरा धर्म एक दिन का है, एक दिन एक धर्म करो काम खत्म। नहीं, धर्म की बात एक दिन सुनो और पूरे जीवन भर उसे आचरो, तब जीवन धन्य होगा। आज कुछ सूत्र मैं आपको क्षमा के संदर्भ में दूंगा। क्षमा क्या है? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके हृदय में क्षमा ना हो। आप सब क्षमा मूर्ति हो। महाराज ये उल्टी बात कैसे कह रहे हो? हम तो सोच रहे थे आप हमें प्रचंड क्रोधी की उपमा देते, लेकिन आपने तो आज क्षमा मूर्ति कहकर आश्चर्य में डाल दिया है। हाँ मैं सोच समझ के कह रहा हूँ, आप सब
क्षमा मूर्ति हो। अपने लिए एक बार ताली तो बजा दो, इतनी बड़ी बात कह दी, सबके सब क्षमा मूर्ति हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्वभाव क्षमा का है, क्षमा तुम्हारा स्वभाव है, तुम क्षमा मूर्ति हो। सच में पूछा जाए तो तुम भगवान हो, पर तुम्हें उसकी पहचान नहीं। तुम क्षमा मूर्ति होने के बाद भी अपने स्वभाव को भूलकर क्रोधाविष्ट हो जाते हो। जब आपको अपने स्वरूप का बोध होगा, वहां अपने आप क्षमा आ जाएगी। समझ गए? तो बोलो, मैंने सही बोला कि गलत? क्षमा मूर्ति हो कि नहीं? हाँ बोलो, हैं क्षमा मूर्ति तो हैं, लेकिन अपने आप को कुछ और बना बैठे हैं। मैं चाहता हूं जो मैं हूं वही रहूं, अपने स्वभाव में रहूं। और ये स्वभाव किसी न किसी रूप में प्रकट भी होता है। आप सबके हृदय में चार स्थितियों में क्षमा आती है, चार स्थितियों में क्षमा। सबसे पहली क्षमा जहां आपका स्वार्थ होता है, कहीं स्वार्थ हो वहां आप लोग बड़े क्षमा मूर्ति हो जाते हो। रोज का अनुभव है, दुकान में बैठते हो, ग्राहक दिमाग चाटता है, ऊपर से उठपटांग बोल देता है, आप लोग क्या करते हो? उस पर गुस्सा करते हो? क्या करते हो? हाँ गुस्सा करते हो, मुस्कुरा के कहते हो, कोई बात नहीं बहन जी, फिर आइएगा, नया माल आने वाला है। मैं बहन जी बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि भाई जी नहीं करते, वो भाई जी भी हो सकते हैं, पर दिमाग चाटने का काम बहन जी हैं ज़्यादा करते, इसलिए मैंने प्रमुखता कर ली। कोई बात नहीं, आप फिर आइएगा, सामने वाला बोल रहा आपकी दुकान में तो कुछ है ही नहीं, एक घंटे से 50 आइटम दिखा दिया, ऊपर से कहा जा रहा कुछ है नहीं, और इतना ही नहीं एक कदम और आगे, आप तो लूट रहे हो। बोलो, सामान्य परिस्थिति में कोई तुम्हें लुटेरा कह दे तो तुम क्या करोगे? क्या करोगे? हाँ महाराज, कह के तो देखे, फिर बाद में पता लगेगा हम क्या करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन वह तुम्हें ऐसी बात कह रहा है, तुम चुपचाप सुन रहे हो। क्यों? ग्राहक है। ग्राहक के सामने हमें बड़े सलीके से पेश आने की जरूरत है। ग्राहक के साथ यदि हम विपरीत बर्ताव करेंगे तो पूरा धंधा ही चौपट हो जाएगा। वो ग्राहक है, मैं दुकानदार हूँ। एक दुकानदार का ये धर्म है कि ग्राहक के सामने नम्र रहे, वह अपने स्वभाव में रहे। जिस दुकानदार को इस बात का होश रहता है कि मेरा कर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है, वो कभी भी उखड़ता नहीं। पर कुछ बदमिजाजी ऐसे हो भी मिल सकते हैं, मिल जाते हैं, जो ग्राहक से ही उलझ पड़े, उसका भट्टा बैठ जाता है, होता है ना। अगर तुम अपने स्वभाव को ध्यान में रखोगे तो क्रोध प्रकट ही नहीं होगा, और तभी अपना बेड़ा पार कर पाओगे। जो स्वभाव को ध्यान में रखते हैं, क्रोध मुक्त होते हैं, उनका बेड़ा पार होता है, और जो स्वभाव को भूल जाते हैं उनका बंटा धार हो जाता है। अभी तक क्या होता रहा है? अभी तक क्या होता रहा है? बेड़ा पार की बंटा धार? हाँ अभी तक तो बंटा धार हुआ, हे भगवान अब मुझे बेड़ा पार करना है, और बेड़ा पार करने के लिए मैं क्षमा मूर्ति हूँ,
इस भाव को याद करना है। कभी कभी दूसरे क्रम में आप लोग क्षमा रखते हो, कब? जब कोई मजबूरी आ जाए तब, दबावश, डरवश, प्रभाववश। हकीकत में वो क्षमा नहीं, एक प्रकार का कॉम्प्रोमाइज होता है। अगर कोई किसी का बॉस हो, वो अपने सब ऑर्डिनेट को झाड़ रहा हो, क्या करते हैं आप लोग? हाथ जोड़ के, मुंडी नीचे करके चुपचाप खड़े, जी सर, जी जी जी, इसके अलावा कुछ? सामने वाला गालियां दे रहा है, अब शब्दों की बौछार लगा रहा है, फिर भी चुप। क्यों? इतनी सहनशीलता कहां से आ गई? कोई प्रवचन में सुन के आए? अरे महाराज, इतनी सी बात आप भी नहीं जानते, बॉस से उलझेंगे तो खाएंगे क्या, है ना? तो महाराज जी, बॉस तो बॉस है, उसकी बात तो हमें सुननी ही पड़ती है, और सुन के हम उसे अनसुना भी नहीं कर सकते, मानना पड़ती है, चाहे वह मेरे मन के अनुकूल हो तो और मेरे मन के प्रतिकूल हो तो, क्योंकि जो मेरा बॉस है उसकी बात मानना मेरा कर्म है, मेरा धर्म है। मान लिए, जो बात बॉस कहे वही बात घर में आकर तुम्हारा बाप कहे, बर्दाश्त करोगे? अब तुम्हारी बीवी बच्चे कह दे, बर्दाश्त करोगे? दूसरों की बात को तुम झेल लेते हो, अपनों की बातों को झेल नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें इस बात का ध्यान है, ये मेरा बॉस है, इसके साथ बदसलूक करेंगे मेरा कैरियर बिगड़ जाएगा। जिस दिन तुम्हें ये ध्यान में आ जाए, ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, इसके साथ यदि हम गलत बोलेंगे तो मेरा संबंध बिगड़ जाएगा, जीवन अपने आप संवर जाएगा। कैरियर ना बिगड़े इसकी तुम्हें चिंता है, संबंध बने रहे इसकी चिंता क्यों नहीं? कैरियर ना बिगड़े इसकी तुम्हें चिंता है और तुम उसके प्रति सावधान रहते हो, संबंध ना बिगड़े इसकी तुम्हें चिंता क्यों नहीं? जिस दिन ये चिंता होने लगेगी, तुम्हारे जीवन के लक्षण बदल जाएंगे और तभी 10 लक्षण सार्थक होंगे। अपने संबंधों के प्रति जागरूक रहो। सामने वाला भारी तो गुस्सा, क्यों इससे पंगा लेंगे तो मिट जाएंगे। ठीक है भैया, तो ये समझो, पंगा किसी से लोगे मिट जाओगे। भले आज तुम भारी दिख रहे हो, कल तुम्हें कहीं ना कहीं कमजोर तो होना पड़ेगा। सच्चे अर्थों में गुस्सा करना हमारे जीवन का हल्कापन है। जिसका व्यक्तित्व हल्का होता है, उथला होता है, वही बात बेबात में गुस्सा करता है। जो धीर वीर गंभीर होते हैं, वे छोटी मोटी बातों को तो सहज पीने की सामर्थ्य विकसित करते हैं। तो आप कभी मजबूरी में गुस्सा करते हो, है ना? एक बार की बात, एक आदमी जा रहा था, उसके स्कूटर से छींटा उछता, बरसात का समय था, और वह एक पहलवान के कपड़े में लग गया, एक व्यक्ति के कपड़े में लग गया। कपड़े गंदे हो गए, सफ़ेद कपड़े पहने थे, जोर से वाले, ए अंधा है क्या, दिखता नहीं? सामने वाले ने अपनी स्कूटर रोकी, बाइक थी, बाइक रोकी, पीछे की तरफ मुड़ा तो देखा इलाके का डॉन था, इलाके का डॉन था। मुड़ के देखा, क्यों जी, क्या बोलते हो? बोले कुछ नहीं, पूछना चाहते हैं, आपको लगी तो नहीं? आपको लगी तो नहीं? अभी जो गुस्सा था वो सारा गुस्सा हवा हो गया, क्योंकि सामने वाला मुझसे भारी है। बस एक बात ध्यान में रखो, जो गुस्सा में भरता है
वो हल्का हो जाता है, और तुम हल्के हो तो सामने वाला भारी है। बस इतनी बात मन में बिठा दो, सामने वाला भारी है, मैं गुस्सा कर रहा हूँ, मैं हल्का हूँ, क्षमा अपने आप आ जाएगी। कुछ करना पड़ेगा क्या? ये मजबूरी की क्षमा क्षमा नहीं है। तीसरे स्टेज में कई लोग क्षमा करते हैं, कब? भड़ास निकाल कर। क्या? भड़ास निकाल कर, जितना बोलना बकना है बक लिया, ठोकना भी है तो ठोक दिया, बाद में कहते हैं जा तुझे क्षमा किया, माफ किया। अरे अब क्या माफ किया? अब बचा क्या? पूरी कसरी निकाल दी, अब बंदूक की सारी कारतूस बाहर हो गई, उसके बाद कहते कि अब मैं नहीं मारूंगा तो क्या होगा? नहीं, भड़ास निकाल करके भी यदि आप किसी को क्षमा करते हैं तो वो क्षमा नहीं है, ये कुछ पल के आवेग की शांति है। सच्चे अर्थों में तुम्हारे हृदय में क्षमा हो तो भड़ास होनी नहीं चाहिए। ये जो तुम्हारे अंदर का विकार है क्रोध, यही तुम्हारे अंदर की भड़ास है जो तुम्हारे चित्त को उद्वेलित करता है। काश हम अपना प्रतिक्रमण करें और प्रत्याख्यान करें, अंदर की सारी भड़ास को स्थायी रूप से निकाल दें तो हमारे जीवन का काया पलट हो जाए, हमारा जीवन धन्य हो जाए। भड़ास को निकाल दो, फिर तो कभी ये नहीं अंदर से क्रोध ही खत्म हो गया तो क्षमा ही क्षमा है। आज जिस क्षमा की बात मैं आपसे करना चाह रहा हूं, जो वास्तविक क्षमा, जैसे उत्तम क्षमा का नाम दिया गया, वो क्या है? क्रोध का निमित्त आने पर भी क्रोध न करना, सत्यपि प्रतिकार सामर्थ्य अपकार सहनम क्षमा। कोई क्रोध का कारण आए और गुस्सा ना करो, तुम्हारे पास इतनी सामर्थ है कि सामने वाले को मसल दो, फूंक दो तो भस्म हो जाए, फिर भी उसके अपकार को सह लेना क्षमा है। बहुत कठिन है ना? कठिन हाँ, सच में जिसके अंदर इतनी सहिष्णुता आ गई उसका जीवन धन है। हमारे अंदर की क्षमा दूसरी तरफ बहती है, पर मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, क्रोध का कारण आने पर भी क्रोध न करो, ये बहुत ऊंची स्थिति है। पर मैं आज आपसे कहूंगा, क्रोध का कारण आए क्रोध कर लो। क्या बोल रहा हूं? क्रोध का कारण हो क्रोध कर लो। मैं आज आपसे क्रोध करने की बात कर रहा हूं। अरे हो क्या गया? आज तो उल्टी उल्टी बात कर दिए, पहले हमको क्षमा मूर्ति बता दिए, अब बोल रहे क्रोध कर लो। बोले हाँ कर लो। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कोई कितना भी कहे कि क्रोध का कारण आने पर क्रोध ना करो, हो ही नहीं सकता कि तुम क्रोध ना करो। हो सकता है क्या? जो आदमी बिना वाद्य के नाचता हो वो वाद्य बजे और पांव न छिड़के, संभव है क्या? बोलो मुन्ना भाई, वाद्य बजेंगे तो नाचेगा ही। अरे बिना कारण के गुस्सा करने वाला कारण पड़ने पर गुस्सा ना करे, बड़ा असंभव जैसा है। मैं आपसे कहता हूं, क्रोध करना कर लो। क्या बोल रहे मैडम? हाँ, क्रोध करना है कर लो, पर कलह मत करो। क्या बोल रहा हूं? चार स्थितियां हैं, क्रोध, कलह, वैर और प्रतिशोध। क्रोध, कलह, वैर, प्रतिशोध यानी बदला।
ये चारों स्थितियां उत्तरोत्तर आगे बढ़ रही है। क्रोध का कारण आने पर क्रोध करो, पहली कोशिश करो कि क्रोध हो ही नहीं। हो सकता आप में इतनी क्षमता है, अगर अपने स्वरूप को ध्यान में रखोगे तो क्रोध से बच सकोगे। जो हमने आपको पिछले उदाहरणों में बताया, ऐसा नहीं है कि आप गुस्से पर काबू नहीं कर सको। दिन भर में तो आप खूब गुस्सा पीते हो, बिना गुस्सा पिए आगे जा ही नहीं सकते, करना पड़ता है। अगर व्यक्ति अपने स्वरूप के प्रति थोड़ा जागरूक हो तो काफ़ी अंशों में अपने क्रोध पर नियंत्रण रख सकता है। लेकिन कदाचित क्रोध आ ही जाए, कई रूपों में होता है, क्षोभ के रूप में, झुंझलाहट के रूप में, खींच के रूप में, गुस्से के रूप में, तमतमाहट के रूप में, किसी रूप में भी क्रोध आए, क्रोध को क्रोध के स्तर पर खत्म करो, उसे कलह यानी झगड़ा का रूप मत लेने दो। क्या बोला? क्रोध को कलह का रूप मत लेने दो। ये कर सकते हैं? क्रोध कब कलह में परिवर्तित हो जाए पता है क्या? प्रायः लोग क्रोध करते हैं और क्रोध करने के बाद कलह करना शुरू कर जाते हैं। मैं आपसे कहता हूं, क्रोध करो, कदाचित तुम्हें एहसास हो जाए कि मुझसे क्रोध हो गया, तो जैसे तुम्हें इस बात का आभास हुआ कि मैंने क्रोध कर लिया, तुरंत आभास होते ही सामने वाले से क्षमा मांग लो, भाई साहब माफ करना, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे बड़ी ग्लानी है, मैंने गलत किया, मुझे क्षमा करना। अगर क्रोध होते ही क्षमा मांगने और क्षमा करने की आदत आ जाए तो क्रोध कलह का रूप नहीं ले सकता। ले सकता है क्या? आप इतना कर सकते हो कि नहीं बोलो? गुस्सा आया, गुस्सा किया, या किसी ने हम पर गुस्सा किया, दोनों चीजें दोनों तरफ से होता है। मुझे क्रोध आए या कोई के क्रोध का शिकार बनना पड़े, उसको वहीं खत्म करना है, मामला वहीं रफा दफा करना है। मुझे अपने मन को साफ रखना है, निर्मल बनाना है। सारा अहंकार एक तरफ करो और दोनों हाथ जोड़ो, मामला खत्म। हो सकता है कि नहीं महाराज? हो तो सकता है, पर क्या होता नहीं? होता नहीं कि करते नहीं? क्या है बोलो? होता नहीं कि करते नहीं? करते नहीं। तो भैया हम क्या करें? करना तो पड़ेगा। आज घर परिवार में तुम जिनके साथ रहते हो, जिनके साथ तुम्हारे लिए जीना मरना है, जिनके साथ उठना बैठना है, जिनसे तुम्हारा रिश्ता नाता है, कोई दो चार प्रसंग ऐसे बनते ही हैं जिसमें आपसी मतभेद होते हैं, और उस मतभेद में एक दूसरे के विरुद्ध टीका टिप्पणी आरोप प्रत्यारोप भी हो जाते हैं। लेकिन उनके बाद उस मामले को आप क्या करते हो? पकड़ करके बैठे रहते हो या वहीं खत्म करते हो? क्या करते हो? बच्चों जैसा जीवन याद करो। जब अपना बचपन था, कितनी बार अपने दोस्तों के साथ खेले और खेल खेल में कट्टी हो जाती होती। लेकिन कट्टी कब दोस्ती में परिवर्तित हो जाए कोई पता ही नहीं, वो कट्टी भी थोड़ी देर की है। काश हमारा मन बच्चों जैसा सरल हो जाए तो कट्टी भले हो पर खट्टी नहीं होगी, जीवन पवित्र बना रहेगा। आज एक संकल्प लीजिए, कोशिश क्रोध का उभार ना आने दूं, पर कदाचित क्रोध आ भी जाए तो कलह ना होने दो। कलह की स्थिति तो आने ही नहीं देंगे। कर सकते हैं? क्या फर्क पड़ता है? छोटा सा शब्द है क्षमा, आजकल आपने उसके लिए लिख दिया सॉरी, और देखो कैसे विडंबना है।
छोटी मोटी बातों के लिए तो आप किसी को तुरंत सॉरी कह देते है ना, सॉरी, लेकिन जहां आपको सॉरी कहना वहां क्यों नहीं बोलो? ये क्या है? ये है हमारे अंदर का ईगो। चलो एक थोड़ा सा प्रयोग करता हूं। आप सब लोग अपनी आंखें बंद कीजिए। सब लोगों को आंखें बंद करना, सोना नहीं है, केवल बंद करना। आंखें बंद कीजिए कुछ पल के लिए। और आज हम दशरक्षण की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये देखिए कि मेरे जीवन में ऐसा कौन व्यक्ति है जिससे मेरा कलह हो, जिससे मेरा झगड़ा चल रहा हो। इस पूरे वर्ष के दरमियान 1, 2, 4 आदमी का चेहरा आपके आंखों के आगे आ रहा है कि नहीं? आपको अपने आंखों को बंद करके ऐसे व्यक्ति की खोज करना है। निश्चित ऐसे व्यक्ति की छाप आपके मानस पर होगी। यदि कोई ऐसा व्यक्ति आपको दिख रहा है, आंखें खोल लीजिए। दिखा कि नहीं दिखा बोलो? कितने लोगों को दिखा? हाथ उठा। अरे हाथ तो उठाओ अच्छे से। महिलाओं में? इसका मतलब मुझे लगता है यहाँ की महिलाएं सब दूध की धुली है। क्या बात है, कोई नहीं दिखा? एक बार उठाओ हाथ ईमानदारी से। हाँ अब सही बात। मतलब क्या निकला? अब जो व्यक्ति तुम्हें दिखा कि इससे मेरा झगड़ा चल रहा है, अब ये बताओ उस झगड़ा को जिंदा रखना चाहते हो कि खत्म? हाँ बोलो जोर से। अब खत्म कैसे होगा? कोर्ट कचहरी में कैसे होगा? आज मन में संकल्प लो कि उस व्यक्ति से पहले हम क्षमा मांगेंगे और उस व्यक्ति को हम क्षमा करेंगे, झगड़ा खत्म। यदि उसकी गलती हमारी गलती है तो हम क्षमा मांगने में संकोच नहीं करेंगे। और सामने वाले की गलती है तो क्षमा करने में संकोच नहीं करेंगे। कर सकते हैं कि नहीं बोलो? क्षमा मांगते और करते ही तो झगड़ा खत्म हो जाता है। होता है ये बड़ा कठिन है। कदाचित क्षमा मांगना तो फिर भी सरल, क्षमा करना तो बड़ा टेढ़ा है। और बड़े की बात जाने दो, छोटा बच्चा भी होता है ना, मैंने देखा, दूध पीता बच्चा 2.5 बरस का बोलना ही सीखा समझ लो। उसकी माँ ने मेरे सामने उसने कुछ बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए। माँ ने कहा महाराज से सॉरी कहो। वो काहे को सॉरी कहे? 3 दफे कह दी। बेटा सॉरी कहने को तैयार नहीं, और ज्यादा कहे तो रोना शुरू कर दिया। ये बच्चे के अंदर के संस्कार है, यही तो आगे बढ़ेगा। जो व्यक्ति अंदर से सरल होता है क्षमा वही धार सकता है। दरअसल क्रोध हमें कमजोर बनाता है और क्षमा हमें बलवान बनाता है। यदि अपनी चेतना को बलवान बनाना है क्षमा भाव धारण करो। मुझे क्रोध को कलह में परिवर्तित नहीं होने देना है। झगड़ा खड़ा करना ही नहीं है। अगर झगड़ा है तो उसे मिटाने का प्रयत्न करना है। तीसरा है बैर। कलह के बाद बैर, गांठ बांध के रख लेना। कई बार ऐसा होता है किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ गलत हो जाता है, कोई मिसचीफ होता है, दुर्व्यवहार होता है, क्रोध आता है, झगड़ा भी हो गया। हो सकता है परिस्थितिवश झगड़ा उस समय ज़्यादा न चले या सामने वाला बलवान हो जाए, आप दांत पीस करके रह जाओ। होता है, लेकिन अंदर गांठ बांध लेते हैं।
आने दो, मौका आने दो, फिर सबक सिखाएंगे। ये वैर की गांठ कई लोगों के हृदय में बड़ी गहरी होती है। अपने अंदर झांक कर देखो, मेरे मन में किसी से बैर तो नहीं जुड़ रहा, मेरे मन में कोई बैर तो नहीं पल रहा है। अगर बैर भाव है तो ये बहुत बड़ी बुराई है, वो मेरी चेतना का पतन करने वाला है। नहीं बैर अभिमान हो जग में, क्षोभ कभी नहीं। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित, मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। आप रोज दोहराते हो, बैर तो नहीं है मेरे मन में किसी के प्रति कोई गांठ। इसकी कसौटी क्या है? कैसे पता लगेगा कि बैर है या नहीं है? किसी से तुम्हारी बुराई हो, किसी से तुम्हारी लड़ाई हो, और उसका नाम सुनते ही यदि तुम्हारे मन में क्षोभ होने लगे तो समझ लेना अंदर बैर की गांठ बंद गई है, और ये भाव भाव तक भटकाएगी। आप लोग न जाने कितने वर्षों से क्षमा धर्म का उपदेश सुन रहे हो, और न जाने कितनी क्षमा वानियां कर लिए, लेकिन हो सकता इस सभा में कोई ऐसा व्यक्ति भी हो जिसके मन में किसी के प्रति वैर की गहरी गांठ हो। मैं आपसे कहता इस गांठ को खोल देना, क्योंकि ये गांठ हमारे जीवन को छोटा बनाती है। एक धागे में जितनी गांठ लगाओ धागा छोटा होगा। तुम्हारे मन में जितना प्रबल बैर होगा जीवन उतना क्षुद्र होगा, सोच छोटी होगी। मैं एक स्थान पर था, हमारा प्रवास था। प्रवास क्या, चातुर्मास था, और चातुर्मास में वहाँ के दो व्यक्ति थे जो रिश्ते में आपस में समधी थे, पर घोर प्रतिद्वंदी, दोनों एक दूसरे के प्रबल विरोधी, और समाज की पूरी राजनीति के धुरी भी वही दो थे। दोनों पैसे वाले थे, बराबरी के थे, जैसे आजकल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसा पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष का हाल होता, वैसे ही उन लोगों का। हमारा प्रवास हुआ, लोगों ने कहा महाराज जी यदि ये दो एक हो जाए तो हमारी समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैंने सुना, हमने कहा ठीक है, देखो वक्त आएगा तो देखेंगे। संयोग से दोनों धार्मिक थे, चौका लगाना, आहार दान देना, बढ़ चढ़ करके काम करना। एक के यहां हमारा आहार हुआ, वो उस समय समाज का अध्यक्ष था। आहार के बाद जब वो बैठा, मैंने एकांत पाकर उससे चर्चा छेड़ी। आपको क्या बताऊं, जैसे ही मैंने उसका नाम लिया एकदम तुनक कर कहा महाराज उस आदमी का नाम मत लीजिए, उसका नाम सुनते ही मेरे अंदर आग लग जाती है। महाराज जी माफ करे, उस आदमी का नाम मुझसे मेरे सामने मत लीजिए, उस आदमी का नाम सुनते ही मेरे अंदर आग लग जाती है। हमने कहा ठीक है भैया, कहाँ आग लगी, माफ कर मैंने आग लगा दिया, पर मैं कहता हूँ आग लगी तो कोई बात नहीं, थोड़ा पास में आ जा, सर्दी बहुत है, मैं थोड़ा ताप लूँ, मेरी सर्दी दूर हो जाए। नहीं नहीं महाराज, वो आदमी सही नहीं है, एकदम थर्ड क्लास आदमी है, बड़ा घटिया आदमी है। मुझे लगा अभी ये आदमी बड़े वेग में, इस समय कुछ कहना ठीक नहीं,
ठीक है, मैंने बात को डाइवर्ट किया, इधर उधर की बात की, पर काम तो मुझे करना ही था, काम मुझे करना था, इधर उधर की बात करके फिर धीरे धीरे मैंने उससे कहा, भाई मेजर ऑपरेशन के पहले एनेस्थीसिया जरूरी होती। कुछ कथा प्रसंग सुनाया, उसके मन को ठंडा किया। फिर मैंने उससे बोला, भाई ये बताओ उसके नाम सुन सुनकर आग क्यों लगती। बोले महाराज बहुत घटिया आदमी। अच्छा, घटिया आदमी है तो उसने क्या तुमको कुछ तुम्हारा उसका क्या संबंध, हमारे समधी है। समधी है तो क्या हुआ। बोले मैंने उनकी बेटी ली है। बोले उस आदमी ने तुझे बेटी दी ना। बोले हाँ बेटी दी। मैंने उनकी बेटी तुम्हारी बहू। बोले हाँ बहू है। बोले बहू कैसे। बोले बहू तो बहुत बढ़िया, बहू बहुत बढ़िया है। तो हमने कहा वो आदमी घटिया, बाप घटिया, तो बेटी बढ़िया कैसे हो सकती। तुम कह रहे हो बाप घटिया है, वो आदमी घटिया है, और जो बहू तुम्हारे घर आई उसको तुम बोल रहे हो बढ़िया है, तो घटिया बाप की बढ़िया बेटी नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं कोई चूक है। आखिर तुम्हारा उसके साथ ये अनबन, ये खटपट क्यों कर है, क्यों कर है। उसने बोला महाराज क्या बताओ, उसने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया। अपमान किया, अपमान किया, क्या किया। बोले महाराज उसने मुझे कंगला कह दिया। समझता क्या। बोले कब कहा, किसने कहा। बोला महाराज आज से 30 बरस पुरानी बात हो गई। बात बहुत पुरानी है, घटना मेरे सामने आए करीब 20 बरस हो गए, माने 50 साल पुरानी बात हो गई। 30 बरस पहले। बोले बोले क्या कहा आपसे कहा। बोले नहीं उसने मुझसे नहीं कहा, लोगों से कहा, लोगों ने मुझे बताया। क्या बताया भैया, आपने कभी इसकी जांच पड़ताल कर ली। नहीं महाराज हमारे भरोसेमंद आदमी ने बोला ऐसा हो नहीं सकता, मुझसे कंगला कह दिया, मुझे ऐसा कह सकता है, मेरी औकात नहीं जानता, वो मुझे पहचानता नहीं है, क्या समझता मुझे ऐसा वैसा आदमी समझता। महाराज मैं उससे मतलब ही नहीं रखता, ये तो बेटी उसने दी ठीक है, बहू है, बाकी मेरा घर बस रहा है, बढ़ रहा है इसलिए, लेकिन वो आदमी किसी लायक नहीं है, मैं उसे फूटी आँख मुझे वो नहीं सुहाता। ठीक है भाई थोड़ा शांत हो। क्या बोला तुझे, कंगला बोला, किसने बोला, क्या बोला, ये तो बताओ। 30 बरस पहले तुमने बोला और आज तक तुम्हें याद है। कभी तुमने उस व्यक्ति से बात करने की कोशिश की कि तुमने ऐसा क्यों बोला, और बोला भी है कि नहीं बोला। बोला ये सब कहने की क्या जरूरत। बोले नहीं ये बात ठीक नहीं है। तुमने जो भी अपने मन में निर्णय लिया, निर्णय तुम्हारा है, तुम इसको अंदर इस जहर को पाल के रखना चाहते हो पालो, नुकसान तुम्हारा होगा। लेकिन मैं तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ, कोई भी काम हड़बड़ी में नहीं करना चाहिए, तुम्हें कम से कम बातों को समझना चाहिए। बात क्या थी आप सुनकर के हंसोगे, वो उस जमाने की बात थी जब शादी ब्याह होता था तो बराती जाते थे, और बराती जाते थे तो वर पक्ष के लोग वधू पक्ष के लोग को परेशान करते थे। सर्दियों में शादी हुई, सर्दियों में दिसंबर के महीने में शादी हुई, और कुछ लोग थे जो वर पक्ष के सुबह से परेशान कर रहे थे। अब रात के 12 बजे वो दही की लस्सी मांग रहे। अब लोगों ने आकर के लड़की के बाप से कहा कि ये 7-8 लोग हैं, बहुत परेशान कर रहे, और ये सुबह से परेशान कर रहे, पता नहीं कैसे कंगले लोग हैं, जैसे कुछ खाए नहीं, अभी लस्सी मांग रहे, क्या करें। उन्होंने जो भी कहा होगा ये बात सामने वाले के पास पहुंच गई। बोले ये बात, उसने तो ये बात बाद में मुझे मालूम पड़ी जब दूसरे से बात किया, मैंने उसे समझाया, उसके मन को शांत किया। उसने बोला महाराज मैं तो बात नहीं कर सकता उससे, मैं इस लायक उसे मानता ही नहीं। बोले तू बात मत कर, मैं बात कर लूँगा। अब बात करना नहीं है, बात बनाना है, और तुम्हें एक ही बात का संकल्प लेना है, इस मामला को निपटाना है। अभी तक खूब बैर पल गया, पता नहीं ये बैर आगे गया तो तुम्हारा सारा धर्म कर्म चौपट हो जाएगा। किस अर्थ का तुम्हारा पूजा पाठ, किस अर्थ का तुम्हारा व्रत उपवास, किस अर्थ का तुम्हारा दान पुण्य, ये सब व्यर्थ है यदि अंदर ऐसी कसाई की गांठ बांध के रखोगे। वो गया, उसके बाद मैंने दूसरे को बुलाया, मैं बात को समेट रहा हूँ, मुझे पूरी बात करनी है, उसको समझाया।
वो भी वैसे ही था, दोनों एक से बढ़कर एक थे। तब तो 30 बरस का झगड़ा खिंचा हुआ था। फिर मैंने उसको समझाया, वो भी राजी हुआ और दोनों को मैंने बुलाया बंद कमरे में एक दूसरे पर। पहले तो बड़े भड़ास निकली, आरोप प्रत्यारोप निकला हुआ। फिर जब सारी भड़ास निकली, मेरे संबोधन से दोनों का मन ढीला हुआ और मैंने दोनों को गले लगाया। जो रोए है फूट फूट कर, सारे मन का मैल धुल गया। एक पल पहले जो एक दूसरे के धुर विरोधी थे, अब पक्के मित्र बन गए और सब साथ साथ चल रहे। ये क्षमा की ताकत है। क्रोध मित्र को भी बैरी बना देता है, तो क्षमा शत्रु को ही नहीं शत्रुता को भी मिटा देती है और जीवन आगे बढ़ जाता है। बैर मिटाइए, प्रेम जगाइए, क्षमा भाव को धारण कीजिए, मन में एक संकल्प जगाइए, मेरे मन में किसी के प्रति वैर की गांठ न रहे। और वैर के और आगे है प्रतिशोध, बदला, यह और भयानक है। प्रतिशोध में व्यक्ति के हृदय में एक आग लगती है, वो मौका देखता है और मौका देखकर किसी न किसी प्रकार से सामने वाले से बदला लेने की चाल करता है कि किसी भी तरह से जब मौका आए मैं अपनी प्रतिशोध की ज्वाला को शांत करे। व्यक्ति के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला जलती है और वह दूसरों के लिए होती है, लेकिन जलना उसे खुद पड़ता है। ऐसा अपने जीवन में काम मत करना, कभी किसी से बदला लेने का कोई भाव मत रखो। ध्यान रखना, बदला लेने का मजा केवल एक दिन का होता है, जबकि क्षमा करने का आनंद पूरे जीवन का होता है। इस बात को याद रखना, सामने वाले को बदलो, बदला क्या लोगे, बदला लेने का क्या मजा। मजा तो तब है जब सामने वाले के दिल को बदल दो। यदि तुम्हारी सोच बदल जाए, क्षमा का भाव तुम्हारे हृदय में आ जाए, तो मन में कोई झगड़ा नहीं, कोई बैर नहीं, कोई बदला का भाव नहीं, जीवन ही बदल जाएगा। अपने जीवन को बदलने का सत्प्रयास हम सबको करना है और आज से उसकी शुरुआत हुई है। आज दशरक्षण धर्म का पहला दिन है। आप सबका उत्साह देखते बन रहा है, इस उत्साह को उत्तरोत्तर वृद्धिंगत करें। आप सबके उत्साह में ऐसी ही वृद्धि होते रहे, इस पुनीत भाव के साथ मैं